हेलो, चलो, गुड मॉर्निंग। अरे बोलो ना, सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो ऐसा हो जाता है। उठते हो कि नहीं? हाँ, ठीक है, चलो। अभी हम स्टार्ट करें पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है? पहला एडमिशन, बाद में क्या रिटायरमेंट, ओके, और डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये अभी आपको पढ़ना है। तो बेसिकली मेन जो कंसर्न होता है जब आप पार्टनरशिप पढ़ते हो, तो मेन पॉइंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि लीगल एस्पेक्ट्स, आपको पता है कि लॉ में आपने पढ़ लिया है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया तो इक्वल। बाद में मैनेज पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना कंपल्शन है या नहीं है? कंपल्शन है या नहीं? पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना कंपल्शन है या नहीं है? आंसर इज नो, ये कंपल्शन नहीं है। रेम्यूनरेशन देना कंपल्शन नहीं है। तो ऐसे केस में रेम्यूनरेशन देना कंपल्शन नहीं है, तो उस केस में उनको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलना, प्रॉफिट शेयरिंग मिलना चाहिए। रेम्यूनरेशन दिया नहीं दिया तो भी चल जाता है। ये कब मिलेगा? अगर एग्रीमेंट में डिसाइड हो कि हर एक पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा। बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी कंपल्शन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा? अगर एग्रीमेंट में डिसाइड हो, या ये फर्म की ट्रेडिशन है कि हर एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, यस, कितना? 6% पर। तो ये कुछ बातें आपने लॉ में पढ़ ली है। लॉ में बहुत सारी बातें, मतलब उसके जो प्रोविजंस है वो आपने लॉ में पढ़ लिया। अभी हम अकाउंटिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग में यहां पे बेसिकली देखो, मेन कौन सी चीजें होगी? पहला ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली देना नहीं है, ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं जनरली देना नहीं, लेकिन एग्रीमेंट में डिसाइड हो या पार्टनर्स, मतलब उस पार्टनरशिप फर्म की ट्रेडिशन हो तो ही दिया जाता है। तो वहां पे आप नोट डाउन कर सकते हो, क्या? जनरली इट इज नॉट पेएबल। जनरली इट इज नॉट पेएबल। जनरली इट इज नॉट पेएबल। बट क्या? It will be paid if it is. It will be paid if it is. क्या? Specifically agreed. Specifically agreed. Clear? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में ध्यान देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है? ओके, यहां पे दो मेथड आपको पता है कि कैपिटल मेंटेन करने के या कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है। कौन से दो मेथड है? दो मेथड कौन से? हाँ, फ्लक्चुएटिंग। हाँ बोलो, फ्लक्चुएटिंग, और दूसरा क्या? फिक्स्ड। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल। ये पहले समझो, फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि हर साल आपका जो कैपिटल है वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ ड्राइंग्स, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स। हर साल प्रॉफिट के कैपिटल क्या होता है? चेंज होता है। रीजन क्या है? हर साल के प्रॉफिट ऐड होते हैं, ड्राइंग्स लेस होते हैं, तो हर साल के प्रॉफिट और लॉसेस ड्राइंग जो है वो सेम नहीं देने वाले। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि उनका कैपिटल चेंज होता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर? तो ऐसी केस में फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या? जो भी ट्रांजेक्शन हो रिलेटेड टू ओनर, दैट विल बी एडजस्टेड इन ओनली वन अकाउंट। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। लोग कौन कौन से होते हैं? कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और क्या बोलो? ओनर और फर्म के बीच में कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, बाद में बोलो, हाँ हाँ, सैलरी टू पार्टनर, मतलब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, और ड्राइंग्स, और हाँ सैलरी कमीशन, ठीक है, हाँ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और क्या? प्रॉफिट। ये जो भी ओनर और फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली कैपिटल में एडजस्ट किए जाएंगे। वो डायरेक्टली कहां पे एडजस्ट किए जाएंगे? कैपिटल में। तो अगर कैपिटल में ये हर साल हम एडजस्टमेंट कर रहे तो क्या होगा अल्टीमेटली? अगर कैपिटल में हम हर साल एडजस्टमेंट कर रहे तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, सिंपल बात है।
ये जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। और उसे आपको फिक्स्ड रखना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको उसे फिक्स्ड रखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हर साल के होते हैं ना, प्रॉफिट ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो हर साल होता है, हर साल के रिकरिंग आइटम्स है, वो आइटम्स को हम क्या कर दे, अलग कर दे, अलग कर दे, और उसे करंट अकाउंट में लिख दे, और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल रहेगा। कैपिटल मतलब क्या, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, मतलब जो सच में कैपिटल है उतना ही कहां पे रहेगा, कहां पे रहेगा, कैपिटल अकाउंट। तो ऐसी केस में अगर आपने ऐसा किया तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल क्या रहने वाला है, फिक्स्ड। क्लियर? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या बनता है, ओनली वन अकाउंट, कौन सा बोलो, कैपिटल अकाउंट, कौन सा बनेगा, कैपिटल अकाउंट, ओनली वन अकाउंट, कौन सा, कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट होगा। उसमें क्या होगा, अभी आप समझो, कैपिटल ये अपने लिए, फर्म के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है, कैपिटल ये फर्म के लिए एसेट है या लायबिलिटी है, लायबिलिटी। क्लियर? क्योंकि फर्म और पार्टनर्स को हम अगर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से चलते हैं, कौन सा, सेपरेट एंटिटी, तो उस हिसाब से आप चलते हो तो सेपरेट एंटिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, फर्म और पार्टनर अलग है। फर्म ने पार्टनर के पास से कैपिटल लिया, मतलब इन शॉर्ट लोन लिया जो रीपेएबल है, जब फर्म बंद पड़ेगी तब रीपे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसी केस में यहां पे देखो, ये कैपिटल अकाउंट जो है लायबिलिटी है। मैंने आपको बीच में बताया था, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या, क्रेडिट देना चाहिए, डेबिट देना चाहिए, क्या, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या देना चाहिए, क्रेडिट। क्यों? बिकॉज जब अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है ना, समवन इज गिवर। फर्म के हिसाब से सोचो, पार्टनर ने पैसे दिए, पार्टनर कौन है, रिसीवर या गिवर? पार्टनर ने कैपिटल दिया, वो रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर, पार्टनर गिवर है ना, पार्टनर ने पैसे दिए फर्म को, हम फर्म की अकाउंटिंग करते हैं, फर्म के लिए पार्टनर कौन है, गिवर। और आपका रूल पता है आपको, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब भी अपने ऊपर लोन पड़ता है, किसी और का पैसा अपने पास है, मतलब समवन इज गिवर, समवन इज गिवर। अभी जब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है तो उस केस में क्या होता है, हम प्रॉफिट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उनके अकाउंट में, मतलब अपने पास जो अकाउंट मेंटेन है, कैपिटल अकाउंट, उसमें ट्रांसफर करते हैं। अभी आप मुझे बताओ कि पार्टनर रिसीवर है गिवर है? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, पार्टनर रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है, गिवर है? क्या दिया आपने उसे, प्रॉफिट, मतलब कैश दी, कैश दी? अरे कैश नहीं दी मैंने, सिर्फ क्या किया, एंट्री करके उसके कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दिखा दिया। तो रिसीवर कब बनता है, जब वो कैश लेके जाएगा, अभी तो कैश लेके नहीं गया ना, अभी सिर्फ हम इंटरनल एंट्री कर रहे हैं। तो इस वजह से जब इंटरनल एंट्री करते हैं, मतलब अभी भी वो जो पार्टनर का प्रॉफिट है ना, वो किसके पास पड़ा हुआ है, फर्म के पास। पार्टनर का जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था, वो किसके पास पड़ा हुआ है, फर्म के पास। तो अभी फर्म के हिसाब से वो पार्टनर क्या बनेगा, फर्म के हिसाब से वो पार्टनर क्या बनेगा, रिसीवर या गिवर? गिवर, उसका पैसा फर्म के पास है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान दो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। क्या आपने पार्टनर का प्रॉफिट सच में कैश में दिया, नहीं दिया, सिर्फ एंट्री गई ना, तो उसे कुछ मिला है सच में, नहीं मिला है, ही इज नॉट रिसीवर। उसे कैश कहां पे दिया आपने, जब आप कैश दोगे तो वो रिसीवर है। तो अभी क्या करो, आप सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री करके उसके अकाउंट में दिखा दो, प्रॉफिट उसके अकाउंट में दिखा दो, तो उस केस में उसका पैसा किसके पास है, प्रॉफिट का पैसा अभी भी किसके पास है, किसके पास है, फर्म के पास है या पार्टनर के पास है, फर्म के पास है। किसका, ये किसका है, पार्टनर का। सो पार्टनर का पैसा फर्म के पास है, तो पार्टनर क्या है, रिसीवर या गिवर? पार्टनर इज गिवर। यहां पे भले उसने डायरेक्टली दिया नहीं, बट किसी और का पैसा आपके पास है ना, सो ये ऐसा ट्रीट हो जाएगा कि वो कौन है, गिवर। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, यहां पर देखो, जब भी कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट देना है, और जब भी कैपिटल कम होगा डेबिट देना है। क्यों? क्योंकि जब भी लायबिलिटी बढ़ती है, समवन इज गिवर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका पैसा अपने पास है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, बाय, बोलो बाय, बाय बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी बैट डाउन, जो भी है बाद में, बाय क्या, प्रॉफिट किससे बढ़ता है, बोलो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी ऑब्लिक कमीशन। हाँ, जब वो कैश में लेके जाएगा पैसा, तब वो क्या बन जाएगा, ड्रॉइंग ना,
जब कैश में लेके जाएगा पार्टनर पैसा तो क्या बन जाएगा, ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग है तो डेबिट कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ड्रॉइंग है तो क्या करो, डेबिट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। जब वो एक्चुअल में लेके जाएगा ना तब डेबिट कर देंगे, ही इज रिसीवर। समझ में आ गया? ओके, तो आगे क्या है, बाय, और क्या हो सकता है, बाय ऊपर ही लिख देना था, बाय एडिशनल कैपिटल, मतलब यहां पे कैश बैंक अकाउंट आता है, और कुछ बचा है, टू ड्रॉइंग, टू टू लॉस, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सिंपली आपको याद रखना है कि जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, और कम होता है तो डेबिट। याद रहेगा क्या, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, सिंपल बात है। तो कैपिटल किससे बढ़ता है, ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली कैपिटल का प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन, गुडविल का शेयर मिल गया, तो उन सभी की वजह से क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाता है। समझा, कैपिटल बढ़ जाता है, क्लियर। और जब जब ड्रॉइंग होगी, जब लॉस होगा, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी, उस वक्त क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। फर्क समझ में आया, ठीक है? तो याद रखना क्या, चलो जी आज साफ साफ पता है ना, कहता हूं इतनी सी बात है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट देता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, इतनी सी बात है, इतनी सी, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट देना है, ठीक है। अभी यहां पे ध्यान देना, अभी यहां पे ध्यान देना, अब सीए एग्जाम में हो, प्यार की कोई गुंजाइश नहीं है, हाँ सीए की एग्जाम दे दो। तो चलो यहां पे देखो, अगर मैं फिक्स कैपिटल मैं चाहता हूं, अगर इतने आइटम्स एड लेस किए तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा ना कैपिटल आपका, वो थोड़ी ना कांस्टेंट रहने वाला है। तो ऐसी केस में मुझे अगर उसे कांस्टेंट रखना है तो ये जो एडिशनल आइटम है, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ड्रॉइंग लॉस, जो हर साल होते हैं रिकरिंग, उसे मैं अलग अकाउंट में रखू, कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में। समझ आ गया? जो कभी कभी होता है ओके, वो कहां पर जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में, क्लियर। मतलब कौन से, बैलेंस एडिशनल कैपिटल, बाद में गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, वो कभी तो भी होता है ना, हर साल थोड़ी ना होता है, तो वो कहां पे जाए, कैपिटल अकाउंट में, वो कहां पे जाए, कैपिटल अकाउंट में। और बाकी जो आइटम है, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स, ये हर साल होता है ना, वो कहां पे जाए, करंट अकाउंट में, क्लियर। तो वो कहां पे जाने चाहिए, करंट अकाउंट में जाने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो, फिक्स में क्या होता है, फिक्स में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट टू अकाउंट्स, कौन सा, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, यहां पे बाय गुडविल, मतलब शेयर ऑफ गुडविल, यहां पे क्या आएगा, बाय बैलेंस, बाय एडिशनल कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन दिस, सॉरी वन मिनट, बाय एडिशनल कैपिटल, बाय गुडविल, गुडविल टू यहां पे अगर ड्रॉइंग, वो भी कौन सा, परमानेंट ड्रॉइंग हो, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर परमानेंट ड्रॉइंग हो कि परमानेंटली वो अमाउंट लेके जा रहा है, मतलब जैसे कि रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, परमानेंटली वो अमाउंट लेके जाता है, तो उस केस में डेबिट किया जाता है। अगर परमानेंट ड्रॉइंग हो तो डेबिट किया जाएगा, अदरवाइज रेगुलर ड्रॉइंग हो हर साल की, तो वो करंट अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, अभी ये क्या है, कैपिटल और करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या आएगा बोलो, करंट अकाउंट में क्या आएगा, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाद में सैलरी, बाद में क्या, ड्रॉइंग्स, रेगुलर ड्रॉइंग्स, बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाद में क्या, लॉस, ये सभी डेबिट साइड पे आ जाएगा, ये सभी डेबिट साइड पे आ जाएगा। समझ आ गया? इन शॉर्ट क्या हुआ, ये जो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बने ना, ये दो है, देखो ये दो है, ये अलग अलग है ना, बीच में क्या है, बीच में क्या है, दीवार, दो अकाउंट अलग अलग बन गए, इसके बीच में की दीवार हटा देते हो तो ये दो अकाउंट क्या बन जाते हैं, एक जान,
क्या बन जाते हैं? एक जान. और वो कहां पे बनते हैं, कौन से मेथड में? फ्लक्चुएटिंग. कुछ अलग नहीं, उसमें से कुछ आइटम हमने कैपिटल में लिख दिए, कुछ आइटम हमने करंट में लिख दिए. समझ आया फर्क? अभी आप मुझे बताओ ये जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट को कौन सा बैलेंस होता है? कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस हमेशा जनरली क्रेडिट रहता है. बहुत एक्सेप्शनल केसेस में डेबिट आ सकता है, बट जनरली कुछ भी हो आपको क्या बोलना है? क्रेडिट बैलेंस. कैपिटल को कौन सा होता है? क्रेडिट, क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल लेके आया, ओपनिंग कैपिटल है. जनरली लॉस उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता है, ठीक है. लेकिन देखो, ये करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट जो है, ये करंट अकाउंट ध्यान दो, ये करंट अकाउंट में क्या है? इस साल का प्रॉफिट है. अगर प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो गया तो क्या हो सकता है? ये करंट अकाउंट डेबिट साइड पे भी आ सकता है ना, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है. तो याद रखना, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, बट करंट अकाउंट में है क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. तो वहां पर लिख देना, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज, ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, बट करंट अकाउंट में शो डेबिट और करंट अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. डन. डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, कोई डाउट है? नो, पक्का? ओके, आगे लिख देना, वहां पे लिख देना, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट. कैपिटल इंक्रीज क्या? क्रेडिट. कैपिटल डिक्रीज डेबिट. डन. अभी आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट किया जाए? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और फिक्स कैपिटल मेथड है. तो बेसिकली कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट करना है ना. तो अभी आप देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दो अकाउंट है ही नहीं, एक ही अकाउंट है. कौन सा? कैपिटल. तो उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है. बट जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जाते हो, तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट है, कैपिटल और करंट अकाउंट. तो उस केस में कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या करना है, किसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? कहां पे? फिक्स कैपिटल मेथड में. मतलब कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट है ना, बोलो कौन से? कैपिटल और करंट. तो कैपिटल के ऊपर भी कैलकुलेट किया जाए और करंट के ऊपर भी कैलकुलेट किया जाए, ये सिर्फ कैपिटल के ऊपर, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ऊपर. याद रखना, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है ना, जो इस साल प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर थोड़ी ना इंटरेस्ट देंगे, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना. इस वजह से याद रखना, हमेशा कैपिटल अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. वहां पर लिख देना, इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट ऑन, इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट ऑन करंट अकाउंट, नॉट ऑन करंट अकाउंट. नेक्स्ट. हाँ बोलो, कैपिटल अकाउंट के ऊपर कितना, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कितने दिन का इंटरेस्ट देंगे? साल भर का. ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कितने दिन का देंगे? ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का, वो साल भर यूज किया ना, साल भर का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है. तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर वहां पर लिख देना, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर होल ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर होल ईयर ऑन क्या? ओपनिंग बैलेंस. ऑन ओपनिंग बैलेंस. नेक्स्ट, उसके नीचे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल. इस साल जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, कितने दिन का? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल फॉर डेज रिमेनिंग इन ईयर. डेज रिमेनिंग मतलब कि जिस दिन कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में कितने दिन बचे, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे. बाय. अगर अगली बात ये समझ में आ गया, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पूरे साल का, और बीच में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसके ऊपर जिस दिन इंट्रोड्यूस किया तब से कितने दिन बचे, उतने दिन का इंटरेस्ट, मतलब जितना हमने यूज किया इस साल में उतना इंटरेस्ट देंगे ना. अगर लास्ट के महीने में 1 मार्च को लाता है,
तो हम फर्स्ट मार्च मतलब एक महीना ही बचा है तो हम 12 महीने का इंटरेस्ट देंगे क्या एडिशनल कैपिटल के ऊपर? नहीं, एक ही महीने का देंगे ना। क्लियर? सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, कोई डाउट है? नो, पक्का? अभी इसके आगे ध्यान देना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए आपके पास प्रॉफिट कम है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है ही नहीं मत दो, प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट कम है तो क्या? तो क्या मतलब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ए एंड बी का, तो वो आ रहा है 6,000, ठीक है, वो आ रहा है 6,000, लेकिन आपका प्रॉफिट 4,000 ही है, तो क्वेश्चन ये है किसको कितना इंटरेस्ट दे। आपने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दोनों पार्टनर का मिला कितना आ गया 6,000, तो ऐसे केस में आपको टेंशन नहीं है। किस बात का टेंशन है? क्या है कि दे कैसे, उतना है ही नहीं ना प्रॉफिट, तो जितना प्रॉफिट है ना, जितना भी प्रॉफिट है ना, वो कैपिटल रेशियो में बांट दो। याद रहेगा जितना कैपिटल है वो क्या करना है कि जितना प्रॉफिट है कैपिटल रेशियो में बांट दो, मतलब जितना भी बचा हुआ है प्रॉफिट वो आपको मिलेगा कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो में क्यों? सिंपल, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं ना, लेकिन इंटरेस्ट देने के लिए कम पैसे पड़ रहे हैं, तो जो भी पैसा बचा है वो कैपिटल रेशियो में बांटने से क्या होगा, जिसका कैपिटल ज्यादा होगा उससे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। मतलब सिंपल बात है, जिसका कैपिटल ज्यादा उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलना चाहिए ना, तो वैसे ही जितना प्रॉफिट बचा है कम पड़ रहा है ना, ठीक है, तो वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। अगर आपका 6,000 कैलकुलेशन आ गया, ए का 2,000 और बी का 4,000, ए का 2,000 बी का 4,000 और आपके पास प्रॉफिट है 10,000, तो क्या 6,000 आ गया इंटरेस्ट, 2,000 ए का, 4,000 बी का और आपका प्रॉफिट है 10,000, तो क्या कोई टेंशन है क्या आपको? नहीं, मतलब कैसे देंगे? पूरा 2,000 ए को दे दो, पूरा 4,000 बी को दे दो, बचेंगे कितने? 4,000 बचेंगे, वो किसको देंगे? ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा है वैसा देंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर प्रॉफिट कम पड़ता है तो जितना प्रॉफिट है उतना कौन से रेशियो में बांट दो? कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। समझ आया? कैपिटल रेशियो में बांटने की वजह क्या है? क्या है? जिसका कैपिटल ज्यादा है उसे जो भी पैसा बचा है उसमें से ज्यादा शेयर मिले, क्योंकि लॉजिकली इंटरेस्ट देते तो इंटरेस्ट देते वक्त भी क्या हो जाता? जिसका कैपिटल ज्यादा है उसे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता ना। अभी इंटरेस्ट देने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, इस वजह से मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉफिट जितना है वो कैपिटल रेशियो में बांट दो। समझा? क्या कंफ्यूजन क्या है? इतना सोच क्या है? हाँ, समझा मैंने क्या बोला? पक्का वहां पर लिख देना, इफ देयर इज लॉस देन no need to pay क्या interest on capital, but in case of insufficient profit bracket में लिखना to pay interest then, तो क्या करना है बोलो? Then again, profit available shall be distributed in if profit available is insufficient to pay interest on capital, then profit available shall be distributed in capital ratio. Done? तो बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि जनरली? हाँ है ना, जनरली देना है? नहीं, कब देना है? एग्रीमेंट में डिसाइड हो। प्रॉब्लम में बोल रहा है इट इज एग्रीड बिटवीन पार्टनर्स और इट वॉज डिसाइडेड, ऐसा कुछ लिखा हो तो देंगे। ओके, अभी यहां पे उसमें दो टाइप है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में कोई टेंशन नहीं, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस उसके ऊपर पूरे साल का कैलकुलेट करो, एडिशनल कैपिटल के ऊपर जितने दिन बचे उसका कैलकुलेट करो। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट किसके ऊपर देंगे? कैपिटल अकाउंट के ऊपर। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पूरे साल का, एडिशनल कैपिटल के ऊपर रिमेनिंग डेज का। बराबर? प्रॉफिट अगर इनसफिशियंट हो तो जितना बचा है उतना
कैपिटल रेशियो में बांट दो, और प्रॉफिट अगर मतलब प्रॉफिट नहीं लॉस है तो नहीं देंगे, तो नहीं देंगे, याद रहेगा। आगे आगे आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अभी इसमें दो चीज है, ड्राइंग इज नॉट रेगुलर, ड्राइंग रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं मतलब क्या, फ्लक्चुएटिंग है, मतलब क्या, कभी वो 20,000 निकालता है, कभी 50,000 निकालता है, कभी 30,000 निकालता है, डेट भी या बोला है मैंने, और लिखा है बीच में, और मतलब क्या, आइदर अमाउंट इज नॉट रेगुलर या फिर डेट, कभी वो निकालता है 1st अगस्त को, कभी वो निकालता है मतलब 15th ऑफ सितंबर, कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है, तो नो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ड्रॉइंग। No specific pattern of drawing. Drawing का कोई specific pattern नहीं है। Drawing is regular. दूसरा क्या है? Drawing is regular. Drawing is regular. तो drawing अगर regular तो क्या होगा? वो देखेंगे हम, मतलब क्या मींस डेट अमाउंट एंड डेट, अमाउंट एंड डेट मतलब क्या, एंड का मतलब क्या है, दोनों, एंड का मतलब यहां पे क्या होता है, अमाउंट एंड डेट मतलब दोनों, दोनों होने चाहिए, ओके, और पहले में और का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक, याद रखना, मतलब अमाउंट और डेट दोनों में से एक भी अगर कंसिस्टेंट ना हो तो आपको पहले मेथड में जाना है, और दोनों भी कंसिस्टेंट है मतलब क्या, वो हर महीने के 1 तारीख को 20,000 की ड्राइंग करता है, मतलब अमाउंट भी कांस्टेंट है और डेट भी कांस्टेंट है, समझ में आ गया, हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करता है, अमाउंट भी कांस्टेंट है, डेट भी कांस्टेंट है, अमाउंट एंड डेट मींस अमाउंट एंड डेट शैल बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, तो देयर इज क्या स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ड्राइंग, देयर इज स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ड्राइंग, राइट। अभी यहां पर देखो, डन, कोई डाउट, नो, डन, नो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ड्राइंग एंड देयर इज स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ड्राइंग। अभी देखो, जब स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है ना तो आपको कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, शॉर्टकट अवेलेबल नहीं मतलब क्या, हर ड्राइंग के ऊपर अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब पहला जो ड्राइंग किया था वो मान लो किया था 1st ऑफ मे को, तो कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मई से 31st मार्च तक, मतलब 11 महीने का, बराबर। बाद में अगर दूसरा ड्राइंग किया हो, लेट अस से 1st ऑफ अगस्त, दूसरा ड्राइंग किया हो 1st ऑफ अगस्त, जितनी अमाउंट है उसके ऊपर कितने दिन का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स का, ऐसा आपको सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा इफ देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ड्राइंग, ठीक है, तो सेपरेट कैलकुलेशन कब से कब तक,
फ्रॉम द रेट ऑफ ड्रॉइंग टू, फ्रॉम द रेट ऑफ ड्रॉइंग टू, बोलो फ्रॉम द रेट ऑफ ड्रॉइंग टू, हाँ टू ईयर एंड डन। आगे आगे यहां पे देखो, यहां पे स्पेसिफिक पैटर्न हो, हर महीने मतलब ड्राइंग एट द बिगिनिंग, ड्राइंग एट बिगिनिंग ऑफ मंथ, बाद में ड्राइंग एट मिडल ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ, drawing at the beginning of month and drawing at the middle and drawing at the end, in tino cases mein kya hoga shortcut use kar sakte ho kyunki consistent pattern hai na, saal bhar ke drawing ke upar dekho, agar beginning mein aap drawing kar rahe ho, beginning mein har saal ke, sorry har mahine ke, to beginning mein drawing kar rahe ho to directly kya karna hai, jitna annual drawing hai uske upar 6.5 mahine ka kitna 6.5 months ka interest calculate karna, theek hai, so कैलकुलेट कितना 6.5 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन एन्युअल ड्राइंग, ये पता है क्या 6.5 महीने का, क्यों क्यों 6.5 महीने का, अरे बोलो 6.5 महीने का क्यों, आंसर बोल रहे हो कि हाँ पता नहीं है, ठीक है ये 6.5 महीने का पता था आपको, लेकिन क्यों ये पता नहीं था, ठीक है चल हाँ कुछ बताने लायक आ गया, हाँ ठीक है जो पता है वो बताने के बताने में मजा क्या है, बराबर ना, जो पता नहीं वो बताने में मजा है, ठीक है आगे पहले लिख लो कि यहाँ पे कितना 6 मंथ्स और यहाँ पे 5.5 मंथ्स 5.5 मंथ्स, ध्यान देना ठीक है, ये 6.5 महीने कहां से आ गया, तो ये 6.5 महीने का लॉजिक क्या है, हर महीने ध्यान देना हर महीने ड्राइंग अमाउंट सेम है, हर महीने ड्राइंग अमाउंट सेम है और डेट भी सेम है, मतलब बिगिनिंग मिडल और एंड, ओके तो अभी आप देखो ध्यान दो, मैं मान के चलता हूं आप फर्स्ट को हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करते हो 10,000 का, हर महीने की फर्स्ट को, फर्स्ट मतलब क्या लेके चलते हैं अप्रैल, आपका साल शुरू हो गया उस दिन ड्राइंग की होगी हर महीने की 1 तारीख को ना, बाद में अप्रैल, बाद में क्या बोलो मई जून जुलाई, बाद में अगस्त, बाद में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्या बात है आपको ये पता है, हाँ अरे तो जनवरी फरवरी मार्च, अभी आप देखो ध्यान देना मुझे बता देना, अप्रैल में जो ड्राइंग की वो ड्राइंग कितने दिन के लिए उस पर्सन ने यूज की होगी, फर्स्ट अप्रैल को जो ड्राइंग की, हम कैलकुलेशन कब करें, कैलकुलेशन कब करेंगे इंटरेस्ट का, मार्च 31 मार्च, ये तो क्लियर है ना, ये एंड पे कैलकुलेशन चलता है, ठीक है तो कितने दिन के लिए उसने ड्राइंग यूज की, 12 महीने सही है 12 मंथ्स, बाद में मई में जो ड्राइंग की वो 11, बाद में 10, बाद में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब मार्च के फर्स्ट को जो ड्राइंग किए वो 1 महीने के लिए यूज किए, करेक्ट है, अब इसकी टोटल ले लो कितनी आती है 78, ओके अभी 78 ये वेटेज कितना है साल भर का, ठीक है तो 78 डिवाइड बाय 12 6.5, ये एवरेज है, ओके वो मंथ कितना यूज किया ना आपने हर ड्राइंग को हर अमाउंट को कितना यूज किया ना उसका एवरेज है, अभी एक देखो आपको दूसरी तरह से बताता हूं, देखो पहले अगर आप 6.5 महीने के हिसाब से लेते हो, सोच के मुझे ठीक से सुनना,
6.5 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट देते हो हर 10,000 के ऊपर। डायरेक्टली क्या कहेंगे, 1,20,000 इंटू क्या, कितना डराएंगे, 12% इंटू 6 इंटरेस्ट है 12%, 6.5/12, 6.5 महीने का कैलकुलेट किया, इसका मतलब आप हर 10,000 के ऊपर 6.5 महीने का ले दो, करेक्ट है, इन शॉर्ट हर महीने के 10,000 के ऊपर 6.5 महीने का। तो आपको क्या लगेगा सर 6.5 महीने का कैसे, पहले जो अप्रैल था उसका तो 12 महीने का मिलना चाहिए था, मतलब वहां पे मैंने कितना कम लिया, पहले अप्रैल महीने का कितना मिलना चाहिए था, कितना 12 महीने का मिलना चाहिए था ना, कितना लिया मैंने उसके ऊपर भी 6.5 महीने का लिया, मतलब कितना कम लिया, 5.5 महीने का कम लिया, करेक्ट है, डोंट वरी, लास्ट के महीने का कितने दिन का लेना था, 1 महीने का, कितने दिन का लेना था एक्चुअल 1 महीने का, मैंने कितना लिया 6.5, मतलब कितना एक्स्ट्रा आ गया 5.5, पहले जो 5.5 कम हो गए थे वो 5.5 बढ़ गए ना यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे महीने का आपने क्या किया, स्टार्ट से दूसरे महीने का कितना महीने का लेना चाहिए था, सॉरी 11, कितना लिया 6.5, कितना कम लिया 4.5, ओके डोंट वरी, लास्ट से सेकंड महीने का जाओ, वहां पे कितना लिया 6.5, लेना कितना चाहिए था 2, 4.5 महीने का एक्स्ट्रा लिया ना, मतलब अल्टीमेटली जो पहले ड्राइंग पे हम क्या कर रहे थे, क्या कम ले रहे थे, ओके कम ले रहे थे, वो एंड की ड्राइंग में ज्यादा मिल रहा है, एवरेज हो रहा है वो, इन शॉर्ट सुन आगे लॉजिक पक्का क्लियर, कोई डाउट है, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा जाएगा, ये हम 6.5 महीने का सर, ओके ये हो गया 6.5 महीने का, 6 महीने का लॉजिक क्या है, इन द मिडल बोला है ना, इन द मिडल मतलब क्या, 11.5 महीने, अप्रैल 15 को अगर आपने ड्राइंग किया कितने दिन हो गए, 11.5, 15 अप्रैल को ड्राइंग की है तो कितने महीने हो गए, 11.5, मतलब यहां पे क्या होने वाला है, हर इस अमाउंट से 0.5 माइनस होने वाला है, आधा महीना माइनस होने वाला ना, मतलब जो मई 15 को ड्राइंग की उसका कितना 10.5 महीना, मतलब हर 0.5 12 महीने में कम हो जाएगा, मतलब 6 कम हो जाएगा ना, मतलब टोटल कितनी आ जाएगी 72, टोटल ले लो 11.5, 10.5, 9, इस तरह से आप टोटल लेते जाते हो ना तो 72 आती है, डिवाइड बाय क्या 12, कितना आता है 6, फिर से एंड में लिया तो कितना अप्रैल के एंड में, तो यहां पे कितने दिन बचे हैं 11 महीने, अप्रैल के एंड में लिया ना तो मई से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 क्या और 0, तो कितना आता है 66 upon 12, कितना आता है 5.5, सिंपल कर, अगर आपको लगता है मतलब जैसा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम खुजली, ठीक है खुजली, अगर नहीं मतलब सर ऐसा नहीं सर ये शॉर्टकट नहीं चाहिए हमें, अलग से ही कैलकुलेट करना है तो करो 12 महीने का अलग से, अप्रैल महीने में आपने 10,000 ड्राइंग की, अप्रैल महीने में 10,000 ड्राइंग की स्टार्टिंग में, तो अप्रैल का 10,000 इंटू 12% इंटू 12/12, मई में जो ड्राइंग की उसका क्या करोगे 10,000 इंटू 12% इंटू 11/12, ऐसा आप एक एक करते जाओ आंसर वही मिलने वाला है, समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे एन्युअल ड्राइंग के ऊपर कैलकुलेट करना है डायरेक्टली एवरेज, बार बार एक एक के लिए कैलकुलेट करके जो एनुअल ड्राइंग उसका 6.5 महीने का, बात खत्म, वो जो पहले वाले कम लिए 5.5 महीने वो एंड में 5.5 महीने का ज्यादा मिल जाएगा एवरेज करके, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया। और ये भी क्या है एनुअल ड्राइंग, कैलकुलेट किसके ऑन एनुअल ड्राइंग, समझा, अब बोलो ना समझा कि नहीं, समझा ना पक्का रीजन के साथ, ठीक है। वही बात है मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर चीजें लॉजिक के साथ क्यों, ओके हर एक ऐसा क्यों करना है वो हम वहां पे पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जब भी कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट देना है, तो उस वक्त मैंने ये भी बोला कि क्रेडिट क्यों देना है, क्योंकि जब अपने ऊपर लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमने किसी के पैसे लिए है, किसी के पैसे अपने पास है, समवन इज गिवर, बराबर। बाद में मैंने क्या बोला, बाद में मैंने आपको ये बता दिया बाद में हमने क्या बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट कम हो तो पूरा तो नहीं दे सकते, तो जितना प्रॉफिट है वो क्या करे कैपिटल रेशियो में, क्यों इनसफिशिएंट है, बट क्यों, लॉजिकली अगर आप इंटरेस्ट देते तो इंटरेस्ट कैसे देते, जिसका कैपिटल ज्यादा उसको ज्यादा देते ना, तो अभी जो प्रॉफिट बचा है उसमें कैपिटल जिसका ज्यादा है उससे ज्यादा मिलना चाहिए ना, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा, इंटरेस्ट कम पड़ रहा है,
देने के लिए, प्रॉफिट कम पड़ रहा है, समझ में आ गया। तो इस वजह से हम प्रॉफिट को ही कैपिटल रेशियो में बांटेंगे ताकि जिसका कैपिटल ज्यादा है उसे ज्यादा पैसे मिल जाए, समझ में आ गया। कोई डाउट है? नो? पक्का? ओके, आगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, पता है क्या? हाँ, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट पता है? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। नहीं, ठीक है चलो। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है, क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कितने हैं? ए एंड बी, ठीक है, और विलिंग टू एडमिट और न्यू एडमिशन टू सी, न्यू एडमिशन टू सी, मतलब नया सी पार्टनर, मतलब पार्टनर कौन है? सी, उसका क्या नाम क्या है? सी, ठीक है, सी का मतलब सी, ओके हाँ, कोई अलग मीनिंग नहीं होता उसका, ठीक है। तो सी फॉर कैट, तो यहां पे ध्यान देना, सी को एडमिशन देना है। अभी सी क्या बोलता है कि ए एंड बी को पैसों की जरूरत है, सिंपली ओके, अगर उनको बिजनेस बढ़ाना है तो पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, कितना? वहां पे 1 करोड़ की जरूरत है, सी के पास पैसे है। ए एंड बी सी के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, तुम पार्टनर बन जाओ, ठीक है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है, इसमें इतना फायदा होगा, तुम्हें भी इतना फायदा होगा। सी एक पक्का बिजनेसमैन है, वो क्या बोलेगा? 1 करोड़, वो बोल रहे 1 करोड़ इन्वेस्ट करो, कैपिटल तो देना पड़ेगा ना। सी क्या बोलेगा? मैं क्या सी हूं क्या? ओके हाँ, तो मतलब मैं क्या, हाँ मैं क्या पागल हूं क्या, ऐसा बोलेगा वो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना कमा के दोगे? 1 करोड़ में लगा दूंगा, बैंक में रख दिया 1 करोड़, ठीक है, एफडी में डाल दिया, तो भी मुझे कितना मिल रहा है? 8% समथिंग कुछ तो भी मिलता है ना, ठीक है, एफडी का मान के चलता है, तो वो मुझे 8 लाख वैसे ही मिल रहा है। तो तुम कितना दे सकते हो ये बोलो, अगर इसमें मुझे कुछ गारंटी मिलती है तो ही मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी है, समझ आ गया, ठीक है। तो ए एंड बी मिलके ये गारंटी देते हैं कि किसी भी हालत में तुम्हें एफडी का जो मिलने वाला था इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल बोल, उससे कम तो प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब 8 लाख तो किसी भी हालत में मिल ही जाएंगे, उससे ज्यादा मिले तो अच्छी बात है, फायदा ही हो जाएगा, तुम्हारा फायदा ही है, लेकिन कम से कम 8 लाख तो मिलने वाला है। तो सी क्या बोलेगा? मैं क्या, हाँ हाँ, ठीक है, तो लिख के दे दो, तो एग्रीमेंट में लिखवा के लेंगे कि नहीं, अगर इनकेस प्रॉफिट कम होता है तो मुझे 8 लाख तो मिलना ही चाहिए। अब ये गारंटी किसने दी फिर? ए एंड बी ने। अगर स्पेसिफिकली बताया हो कि सिर्फ ए ने दी तो अलग बात है, हो सकता है कि सिर्फ ए ने उसे गारंटी दी या सिर्फ बी ने उसे गारंटी दी, अगर कुछ नहीं बताया तो दोनों दी, ठीक है। अभी आप देखो उसे गारंटी दी है, गारंटी ऑफ 8 लाख मिनिमम प्रॉफिट टू सी, ओके, एक्चुअल प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर एक्चुअल प्रॉफिट 18 लाख, बोलो 18 लाख की प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट ईयर में। अभी आप कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट कैसे होगा? 6 लाख 6 लाख 6 लाख, लेकिन यहां पे सी क्या बोल रहा है, ठीक है, हाँ, मैंने पहले हर बार ये नहीं बोलेगा मैं क्या सी हूं क्या, हाँ ठीक है, वो बोलेगा कि मैंने आपके पास से लिखवा के लिया था कि 8 लाख, कम से कम 8 लाख रुपए चाहिए, ओके, उस वक्त मुझे पता था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है, मैं क्या नहीं हूं, पागल नहीं हूं, हाँ ठीक है। तो ऐसी केस में वो बोलेगा कि मुझे कम से कम 8 लाख देने का तुमने प्रॉमिस किया था, तो दे दो 8 लाख, क्या होगा अभी बोलो, कैलकुलेशन कैसे होगा, ए में से 50%, बी में से 50%, ठीक है, मतलब कितने, किसके 50%, लेकिन उसका तो 6 लाख तो वैसे ही मिलने वाला ना, तो पूरा ए एंड बी से क्यों कट गए, सिर्फ 2 लाख ही कम पड़ रहे ना, कितने कम पड़ रहे बोलो,
कितने कम पड़ रहे हैं? सिर्फ 2 लाख। तो 2 लाख का ही क्वेश्चन है, तो 2 लाख जो है वो ए और बी दोनों से कितना? 50-50%। ध्यान दो, ये 50-50% तब की बात है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट इक्वल देन जैसा भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस तरह से बांट दो। अभी ध्यान दो, उससे बेटर ऑप्शन में बोलता हूँ, उससे बेटर ए बी सी पहले उनका बांट दो, 6 लाख 6 लाख 6 लाख। बराबर, ये नॉर्मल आता है, नॉर्मल। ठीक है, अभी क्या करना है, सी को कितना देना है एक्स्ट्रा? कितना? 2 लाख, 2 लाख प्लस करना है, 2 लाख देना है। कौन देगा? ए एंड बी। भाई कैसे देंगे? 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 5 लाख 5 लाख 8 लाख। समझ आ गया? पहले आप बांट दो नॉर्मल। अभी आप देखो, प्रॉफिट ही नहीं हुआ। क्या प्रॉफिट ही नहीं हुआ? तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो सी को क्या? हाँ हाँ, हंस क्यों रहे हो? हाँ, 8 लाख देने। कैसे कैसे? प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लेकिन सी को तो लिख के दे दिया 8 लाख कम से कम मिलेंगे, तो कैपिटल में से। हाँ यस, ए अपने कैपिटल से 4 लाख निकाल के देगा, बी अपने कैपिटल अकाउंट से 4 लाख निकाल के देगा, उसे 8 लाख देने पड़ेंगे। समझ आ गया? कोई डाउट? नो, पक्का कोई डाउट है? नो। तीसरा सिचुएशन लेते हैं, और एक। हाँ, 3 लाख, 3 लाख प्रॉफिट हो गया। बोलो नॉर्मली कितना बढ़ेगा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। इसको कितने देने हैं? 8 लाख। 8 लाख का प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ 1 लाख ही मिल रहे हैं ना, 7 लाख कम पड़ रहे हैं। तो अभी ए एंड बी उनका पूरा प्रॉफिट दे देंगे, वो तो दे देंगे, फिर भी कम कितना पड़ रहा है? ए एंड बी उनका पूरा प्रॉफिट दे देंगे, 1 लाख 1 लाख, मतलब पूरा 3 लाख उसे मिल गया। कितना कम पड़ रहा है? 5 लाख। 5 लाख कैसे देंगे? कैपिटल अकाउंट में से डेबिट करके 2.5 लाख 2.5 लाख दे देंगे। क्लियर? कोई डाउट है? नो, पक्का। दिस इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। क्लियर? अगला याद रखना, कहीं मैं सोच रहा हूँ वहां पे देखने जा रहा हूँ, सभी पीछे देख रहे हैं। सर कहाँ पे देख रहे हैं? हाँ, ये वाली ना, हाँ देता हूँ, ठीक है। आगे P&L अकाउंट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या फर्क है P&L अकाउंट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? P&L अकाउंट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या डिफरेंस है? चलो बोलो क्या। अरे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए P&L अकाउंट बनता है, वो प्रॉफिट बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनता है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे होता है? बोलो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे होता है, कैसे होता है? क्या रिजर्व में जाएंगे कुछ? अगर रिजर्व मेंटेन कर दे तो। और कहां पे? पार्टनर में बांटे जाएंगे, पार्टनर की सैलरी दी जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सभी किया जाएगा, ठीक है। सो ये तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही था बचपन वाला, ठीक है। हाँ, सिर्फ बड़ा हो गया। हाँ, ठीक है। सो ये जो है वो वही है, ये तो बहुत छोटी है। हाँ, क्या हुआ? चल, तो P&L अकाउंट, P&L अकाउंट जो है वो क्या है? ओके, इट इज अ रेगुलर जिसमें एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंस, ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंस, ओके, इनकम एंड एक्सपेंस। उसके बाद में वंस P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड,
एंड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड देन विल प्रिपेयर क्या विल प्रिपेयर व्हाट P&L appropriation. Will prepare P&L appropriation account for profit distribution. तो बोलो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आएगा, क्या क्या आएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बोलो, वो उनको लिखना है। जब मैं लिखता हूं वो तब कहां पे देखते हो, ध्यान देते हैं क्या? अभी आपका ब्रेक के बाद में अगला लेक्चर होगा ना, कुछ नाश्ता हुआ है कि नहीं? मैं अपनी सगी बीवी बच्चों को छोड़ के आता हूँ, ठीक है? हाँ मतलब सगी बीवी तो उसे छोड़ के मतलब वहां पे क्या है कि सुबह ब्रेकफास्ट सैक्रिफाइस करके आता हूँ मैं, तो कुछ देखना चाहिए ब्रेकफास्ट वगैरह। अभी सगी बीवी आपने भी क्या क्या सैक्रिफाइस किया, मैंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया वो बताता हूँ, आपने क्या किया, जिसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया क्योंकि बीवी और बच्चों वाला तो आपके पास कोई बोलने के लिए है नहीं। हाँ वो तो मैं भी छोड़ के आया ना, वही है। हाँ मतलब कॉमन चीजें छोड़ के और एडिशनल चीजें मैं बोल रहा हूं। दो घंटे की नींद, हाँ वो तो मैंने भी की। हाँ चलो, सभी स्टूडेंट्स ने मिलके एक एक रुपए भी निकाल दिया तो भी मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है, ठीक है? चलो आगे। हाँ वही अजित ने, ठीक है? हाँ चलो बोलो, बाय P&L अकाउंट इफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस यहां पे आएगा ना, इफ प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आएगा, P&L अकाउंट से उठाएंगे प्रॉफिट और यहां पर डालेंगे, बांटने के लिए प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, ठीक है? और बाय टू P&L अकाउंट आएगा इफ लॉस, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन लॉस हुआ तो टू P&L अकाउंट आ जाएगा यहां पर, सिंपल बात है ना। P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर नेट प्रॉफिट दिख रहा है, अगर वो कैरी फॉरवर्ड करते तो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा ना,
पीएनएल अप्रोप्रिएशन, मतलब ये मान लो जैसे ट्रेडिंग से पीएनएल अकाउंट में कंटिन्यू होते थे, वैसे पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कंटिन्यू होते हैं, क्लियर, हम कंटिन्यू करते हैं। बाद में बोलो क्या क्या ऐसा है जहां पे आपको और पैसे मिलेंगे पार्टनर से, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए बी सी अलग अलग पार्टनर के। बाद में टू इंटरेस्ट ऑन, ये जाएगा ना पैसा खर्च, लेकिन ये नॉर्मल नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, सुना है कि ये अपना नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। टू टू बाद में वहां पे क्या ट्रांसफर टू रिजर्व, किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया पैसा। टू सैलरी, सैलरी ऑब्लिक रेमुनरेशन ऑब्लिक कमीशन, सब कुछ बोल देता हूं, नहीं तो आप यही तीन बार बोलोगे, ए बी सी, ए बी सी टू, हाँ अरे क्या हंसने वाली बात क्या है, ए और बी सी, हाँ ठीक है, तो आगे टू टू फिर से कौन, ए बी सी, हाँ ये इस तरह से हमने प्रॉफिट बांट दिया, इस तरह से हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, लास्ट में प्रॉफिट बचेगा ना, यहां तक देखो, यहां तक हम रेगुलर वो खर्चे जो है वो माइनस करेंगे, यहां पे जो प्रॉफिट बचेगा वो बांट देंगे रिमेनिंग, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर वो बांट देंगे, लिखो यहां पे क्या बी एफ, बी एफ मतलब बैलेंसिंग फिगर, यस, डन, कोई डाउट, कोई शक, नो, पक्का, आगे अगला जो है वो है गुडविल, आ जाओ मुद्दे पे आते हैं, गुडविल पहले कुछ बेसिक बातें बता दी जो आपको आगे यूजफुल रहने वाली है, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, अभी थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं, गुडविल, तो गुडविल क्या होता है सर, गुडविल मतलब हाँ रेपुटेशन, ओके, आपने एक देखा है गुडविल कैलकुलेट करते वक्त सभी लोगों ने एक बार किया होगा, ठीक है, कि प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, किया कि नहीं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस या सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, किया है कि नहीं, बोलो हाँ है ना, सभी बाकी लोगों ने क्या किया है ना, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, किया है कि नहीं किया, नहीं किया, क्यों, गुडविल छोड़ दिया था ऑप्शन में, ठीक है चलो आज से नहीं छोड़ेंगे, ओके, तो ध्यान दो, ये पता तो है ना एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस ऐसा एक लिखा जाता है, सो व्हाट इज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, मुझे नहीं पता कितने साल का, नहीं एवरेज प्रॉफिट अलग साल का हो सकता है और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस अलग साल हो सकता है, मतलब एवरेज आपने 5 साल का निकाला बट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस 3 साल है, ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने साल का एवरेज था उतने साल का परचेस है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ क्या वो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस क्या, कितने साल लगे, ओके बेटर, और बोलो, हाँ बोलो ना कुछ तो बोलो, गलत होगा तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है,
देखो एक सिंपल एग्जांपल देखो, जनरली गुडविल का कैलकुलेशन कब होता है, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कब होता है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ उस केस में हम करने वाले हैं, ठीक है। और गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, मेथड्स कौन से अभी हम फॉलो करने वाले, मेथड्स वन एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा जो है वो कौन सा है, सुपर, तीसरा तीसरा एन्यूटी मेथड एंड फोर्थ वन कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। ये चार मेथड से हम कैलकुलेट करने वाले गुडविल, बेसिकली वो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस पे हम आएंगे, बट उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये चार मेथड है, चार मेथड में एक बात कॉमन है कि हर मेथड में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एवरेज प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, जब आप प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो डायरेक्टली एवरेज नहीं निकालना है, कुछ गलतियां हो सकती है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर आज 2020 का 31 मार्च 2020 ऐसा मान के चल रहा है, 31 मार्च 2020 ऐसा मान के चल रहा है, तो हम प्रीवियस प्रॉफिट लेंगे, मान लो चार साल पांच साल का एवरेज निकालेंगे, तो उसमें 2019 का प्रॉफिट लेंगे, हम 2020 का भी ले सकते हैं अगर कैलकुलेट हो गया हो तो, 2020 का भी ले सकते हैं, बाद में क्या 2019, 2018, 2017, 2016 कितने हो गए, कितने 20, 19, 18, 16, 18, 17, 16 पांच साल मैं मान के चल रहा हूं। याद रखना हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है मेरे एग्जांपल में, क्या 2000 प्रॉफिट कौन सा है, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 करेक्ट है, ये पांच साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। हो सकता है कि 2017 का जो प्रॉफिट है ना वो कैलकुलेट करते हो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गलत हो गया था, इसका मतलब क्या बनता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन उस वक्त ज्यादा हो गया था, ओवर वैल्यूएशन, उसे क्या कहते हैं, ओवर वैल्यूएशन, 2017 के प्रॉफिट का ओवर वैल्यूएशन हो गया। मतलब देखो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा तो क्या होगा, क्या होगा, किसी भी साल में आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखते हो तो प्रॉफिट बढ़ जाता है ना, मतलब 2017 का प्रॉफिट गलती से बढ़ गया। अभी हम गलत प्रॉफिट के साथ गुडविल कैलकुलेशन करें या प्रॉफिट करेक्ट कर ले, सिंपल बात है ना। तो ये एडजस्टमेंट कौन सी है, पास्ट एडजस्टमेंट है या फ्यूचर वाली, पास्ट, पास्ट में हो चुका था। दो तरह के एडजस्टमेंट्स आते हैं एवरेज कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड फ्यूचर एडजस्टमेंट्स। तो उसमें उसमें पहला क्या आता है, पास्ट एडजस्टमेंट्स, ऐसे एक्सप्रेशन दे दो कि जैसे मैं कुछ और ही पढ़ा हूं, ठीक है। दो तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं, वन इज पास्ट एडजस्टमेंट, अनदर इज फ्यूचर एडजस्टमेंट, ठीक है। फाउंडेशन की ही क्लास में बैठे हो, इंटरमीडिएट की नहीं, ठीक है, मैं इंटरमीडिएट का पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो तरह के एडजस्ट, इंटरमीडिएट में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट ये फाउंडेशन में भी है, क्लियर, पास्ट एडजस्टमेंट और फ्यूचर एडजस्टमेंट। इंटरमीडिएट में आपको पार्टनरशिप का अमालगमेशन है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है, तो उस वक्त ये बातें यूजफुल रहती है। फ्यूचर एडजस्टमेंट अमलगमेशन के टाइम पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ सकता है, हाँ क्या अमलगमेशन ना, हाँ यस, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब इंटरमीडिएट है, एफआई में पढ़ा है हमने तो, है ये क्या है, मतलब मजाक है क्या, पास्ट एडजस्टमेंट, लेकिन वहां का अमलगमेशन दिमाग लगाने वाला होगा, ऑब्वियस बात है, क्लियर। तो पास्ट एडजस्टमेंट, क्लियर। तो पास्ट एडजस्टमेंट मतलब क्या, एरर्स ऑब्लिक मिस्टेक इन कैलकुलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्या प्रॉफिट,
क्या करना है, रिवर्स द इफेक्ट ऑफ कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट ओके, मतलब क्या गलती हो गई, क्या हो गया, उस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया था, इस वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम उतना प्रॉफिट माइनस करेंगे जितना गलत हो गया। मतलब हमें क्या करना है, उस साल के रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एंड कैलकुलेट प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। क्लियर, कोई डाउट? ओके, अभी ध्यान दो, और एक बात याद रखनी है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड, मतलब हमने खुद कमाई नहीं है, खुद का बिजनेस मतलब बिजनेस से कमाई नहीं है, शैल बी रिवर्स्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अरे ये आप देखो, इन्वेस्टमेंट किया आपने और इंटरेस्ट कमा लिया, क्या आपके बिजनेस की वजह से कमाया ये? नहीं, आपने पैसा किसी और के बिजनेस में लगाया और उससे मिल रहा है, इसमें आपके गुडविल का कोई काम नहीं है, वो तो कोई भी कमा लेता, बराबर ना भाई। देखो एक 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 पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म है, वो आपको बोलते हैं कि हमारा इनकम जो है वो 1,10,00,000 है, उसमें पता चलता है कि उन्होंने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दूसरे के बिजनेस में की, डिवेंचर्स में, उससे 1 करोड़ मिल रहा है 10% के हिसाब से। 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किसमें किया, दूसरे के बिजनेस में, और वो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है कितना, 1 करोड़, 10%। तो आप क्या बोलोगे, अरे आपके बिजनेस ने कितना कमाया, ये तो 1 करोड़ जो है वो दूसरों के बिजनेस से मिला हुआ है, आपके बिजनेस की गुडविल पे नाम पे कितना कमाया आपने, 10,00,000। समझ आया, एक सिंपल बात। ओके, मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बोल रहा हूँ शायद से ही आपको पता भी नहीं होगी, ठीक है, आई एम श्योर। ओके, ये शायद से आपको पता नहीं होगा, ठीक है, एक सिंपल बात है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आपके बिजनेस ने कितना कमाया, गुडविल किसका कैलकुलेट करना है, बिजनेस का ना। आप दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे पैसा मिल रहा है, क्या ये आपके बिजनेस की वजह से मिला है? नहीं, किसी और के बिजनेस की वजह से मिला है ना। अगर वो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दे तो 1 करोड़ मिल रहा है, हमने 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट की वहां पे, तो कितना मिलेगा, 1 करोड़ ना, तो उसमें उस बिजनेस का गुडविल क्या है? आया समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या बोल सकता है कि नहीं, एक काम करो, ये जो प्रॉफिट्स है ना, जो बिजनेस से नहीं मिले, आपके बिजनेस से नहीं मिले, कहीं और से कमाए, वो निकाल दो, मैं उसके ऊपर गुडविल नहीं दे सकता, उसके ऊपर पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना गुडविल कैलकुलेशन ज्यादा होगा ना। तो मैं ऐसी चीजें नहीं चाहता जो आपके बिजनेस की वजह से कमाई ना हो, तो उसका रिवर्स इफेक्ट कर दो, निकाल दो उसे, इंटरेस्ट पहले ऐड किया हो तो क्या कर दो, उतना लेस कर दो, बात खत्म, और आपको मिल जाएगा करेक्ट प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट। एक बार आपको करेक्ट प्रॉफिट मिलता है, देन कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या, एवरेज, क्या एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर, बोलो, हाँ, टोटल प्रॉफिट, ओके, और कोई तरीका, ओ, आपको पार्टनरशिप अच्छा आता है, हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, हाँ, क्या हुआ, कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहां से लिया आपने, दूसरों के बिजनेस ना, मतलब आपके बिजनेस के उसमें एफर्ट्स क्या है। देखो आप उस मेरे पार्टनरशिप में आए, उसमें आपको दिखाई देता है 1 करोड़ इंटरेस्ट से मिला है, आप क्या बोलोगे, 1 करोड़ तो मैं भी कमा लेता अगर मैंने 10 करोड़ लगाए होते वहां पे, आपके बिजनेस से जो जनरेट हो जाए ना प्रॉफिट, उसका मैं गुडविल दे सकता हूं, भाई भाई
ठीक है, तो ये जो गलतियां है या फिर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट उन्होंने जोड़े है, आप क्या बोलोगे, वो निकाल दो। क्यों? क्योंकि मुझे आपके बिजनेस से जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, उसके ऊपर गुडविल देना है, उसके ऊपर गुडविल कैलकुलेशन चाहिए। आपका प्रॉफिट कितना है जो आपके नाम से बना है, ये जो इंटरेस्ट दूसरों के डिवेंचर में इन्वेस्ट किया उससे इंटरेस्ट मिला, ये आपके नाम से मिला है क्या, या उसमें आपके नाम का क्या रोल है उसमें? कुछ भी नहीं ना, फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब उन्होंने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ मिल रहा है, आपने किया 10 करोड़ इन्वेस्ट, तो कितना मिलेगा? 1 करोड़। तो उसमें उस बिजनेस का क्या गुडविल है? आज समझ में क्या बोल रहा हूं? क्लियर? ठीक है, तो यहां पे फिर भी मैं फाउंडेशन के हिसाब से ही यहां पे रहने वाला हूं। ठीक है, मैं अगर एडवांस अकाउंटिंग के गुडविल सेकंड ग्रुप में चला गया तो नहीं जाना भी नहीं है। हाँ, मैं बेसिक एडजस्टमेंट सबको बोल रहा हूं। क्लियर? तो वो तो फिर बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट बनते हैं। क्लियर? उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, ये आपको जो रिक्वायर्ड पता होना चाहिए फाउंडेशन में वो बोल रहा हूं। क्लियर? उसे रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के बाद में क्या एवरेज निकालना है? एवरेज कैसे निकालना है, मतलब ये कौन सा एवरेज है? सिंपल। ओके, तो ध्यान देना, दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वन इज सिंपल एवरेज, अनदर इज वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। हाँ, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। वाह वाह, सिंपल एवरेज कब 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 सिंपल एवरेज? व्हेन टू फॉलो सिंपल एवरेज? बोलो, सिंपल एवरेज कब फॉलो करना है? कब? देयर इज नो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग means profit is fluctuating. Profit fluctuate हो रहा है, पहले था 10,000, बाद में हो गया 12,000, बाद में हो गया 9,000, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? पहले 10, बाद में 12, बाद में 9, बाद में 10। इंक्रीज भी नहीं बोल सकते, डिक्रीज भी नहीं बोल सकते, मतलब कि एग्जैक्टली क्या बोले? फ्लक्चुएटिंग बोलेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग हो तो सिंपल एवरेज। ओके, और ओनली इफ इफ समझ आ गया? क्लियर? अभी आप मुझे बताओ क्या लॉजिक है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज का? वेटेड एवरेज क्यों? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब वही आपने वही बताया जो मैंने बताया, अलग कुछ तो भी। टेल मी विच आई डोंट नो। हाँ, जे मला माहित नाही ते सांगा। हाँ, वही मतलब अभी आपके सामने जो रखा है उससे कुछ अलग बताओ। अभी इनको क्वेश्चन ही पता नहीं है। वो बोल रहे टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो। हाँ, इनको क्वेश्चन ही पता नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि वेटेड एवरेज क्यों फॉलो करना है? मतलब ऐसा क्यों कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो वेटेड एवरेज फॉलो करना है, ऐसा क्यों? हाँ, नहीं, वेटेड एवरेज मतलब क्या? वेटेड एवरेज मतलब क्या? वेटेड एवरेज मतलब क्या? सिंपल एवरेज में क्या होता है? ओके, प्रॉफिट वन वन प्लस प्रॉफिट टू सेकंड ईयर का प्लस प्रॉफिट थ्री डिवाइड बाय थ्री, इज सिंपल। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया जाएगा? प्रॉफिट वन इंटू वन, तो टोटल आ जाएगी प्रॉफिट टू, प्रॉफिट टू इंटू टू, बाद में प्रॉफिट थ्री इंटू
थ्री, जो टोटल आती है उसकी टोटल ली जाएगी, ये टोटल, और ये जो इसकी टोटल है वेट्स, मतलब छह हो गई ना, और जो भी यहाँ पे टोटल आ गई उस टोटल को वेट्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब मान लो, मैं यहाँ पे एग्जांपल ही लेके चलता हूँ, प्रॉफिट है 10,000 2018 का, 10,000 2018 2019 वो है 20,000, 2020 वो है 30,000, तो कितना आता है, इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री, तो बोलो 10,000 बाद में 40,000, 90,000, 60 कैसे, 60 कैसे आया, तो ये 6 है ना टोटल वेट्स की, टोटल 1 2 3, ये जो वेट्स असाइन किए उसकी टोटल कितनी है 6, और इसकी टोटल कितनी है 1,40,000 डिवाइड बाय 6 कितना, 30, 30, 30, 30, 30. ठीक है, ओके, ये है आपका एवरेज। अभी आप देखो हुआ क्या, ध्यान दो सभी, अभी रीजन, अभी आप देखो प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, सो हमने गुडविल कैलकुलेट करते हो ज्यादा वेटेज किसे देना चाहिए, रिसेंट प्रॉफिट को या पुराने प्रॉफिट को, रिसेंट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज का प्रॉफिट कितना है 30,000, 2 साल पहले प्रॉफिट कितना था 10,000, बराबर 10,000 प्रॉफिट था, अभी वो 30,000, आगे कितना होगा 40, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 30 तो होगा ही ना, 40 नहीं हुआ तो कितना होगा, 30 तो होगा ही, इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, मतलब वो कम तो नहीं होगा, तो हम सामने वाले से निगोशिएट क्या करेंगे, फर्म वाले क्या बोलेंगे, फर्म वाले बोलेंगे कि देखो अगर प्रॉफिट जो है वो अभी 30,000, अगले साल 40 होगा, अगर 40 नहीं होता 30 तो जाएगा ना, तो मैं 2 साल पहले वाले प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज दे के कैसे कैलकुलेट करूं, इस वजह से मैं वेटेज कैलकुलेशन में ज्यादा रिसेंट प्रॉफिट को दूंगा, ठीक है, रिसेंट प्रॉफिट को देगा, तो रिसेंट प्रॉफिट कितना है 30,000, उसको सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में वेटेज दिया है, और ज्यादा वेटेज रिसेंट प्रॉफिट को दिया और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो गुडविल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्या फर्म का हक बनता है या नहीं कि कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो आपसे गुडविल वो ज्यादा ले, हाँ है ना, यस बनता है, लेकिन इसी जगह पे प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग होता, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो ऐसी केस में आगे प्रॉफिट क्या होगा पता नहीं ना, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो ऐसे केस में आगे प्रॉफिट क्या होगा ये पता नहीं, तो मैं रिसेंट प्रॉफिट को वेटेज क्यों ज्यादा दूं, अगर मैं बोलूंगा, मतलब दोनों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा, अगर रिसेंट प्रॉफिट ज्यादा है पहले वाले फ्लक्चुएटिंग है और आपसे मैं पैसे मांग रहा हूं ज्यादा, आप क्या बोलोगे, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, रिसेंट प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन इससे पहले वाला प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, तो आपको मैं बोल रहा हूं ज्यादा गुडविल दे दो, आप क्या बोलोगे, नहीं क्यों, अगले साल कम भी तो हो सकता है ना, अच्छा रिसेंट प्रॉफिट कम है, प्रीवियसली ज्यादा था, मतलब फ्लक्चुएटिंग था, रिसेंट प्रॉफिट कम है, ठीक है, तो ऐसे केस में फर्म बोलेगी कि नहीं रिसेंट प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज मत देना, गलत बात है, क्यों, दिखने में दिखाई देता है उससे रिसेंट प्रॉफिट कम है उसको ज्यादा वेटेज देंगे तो गुडविल कम आ जाएगा, तो फर्म की तरफ से क्या बोला जाएगा, ये तो सिर्फ 1 साल का है, इससे पहले देखो ना प्रॉफिट ज्यादा था, समझ आया, लेकिन अगर प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और प्रॉफिट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता ना, तो वहां पे तो यही बनता है ना, रिसेंट प्रॉफिट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आगे ट्रेंड रहने वाला है, तो आप रिसेंट प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज दो, तो वेटेज देखो यहां पे मैंने रिसेंट प्रॉफिट को क्या दिया है 3, ट्रिपल वेटेज दिया, समझ आ गया, इस वजह से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा हो या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा हो तो क्या करना है, रिसेंट प्रॉफिट को वेटेज ज्यादा देना है, तो इस वजह से वेटेड एवरेज मेथड, और अगर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है या कंटिन्यूअसली कम रहा है ऐसा नहीं है तो आप क्या कर दो, सिंपल एवरेज, उसमें वेटेज किसी को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट वहां पे फाइनल नहीं है, फाइनल इन द सेंस कि वैसे ही आगे होगा ऐसा पता नहीं ना, तो किसी को वेटेज ज्यादा दे नहीं सकते, समझा, कोई डाउट है, कोई डाउट पक्का समझ में आ गया, क्लियर, अभी एक बार आपने एवरेज निकाला तो आपको क्या करना है, वंस द एवरेज इज कैलकुलेटेड तो आपको आना है यहां पे, कहां पे, हाँ
कहां पे? हाँ, फ्यूचर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अभी आपको फ्यूचर एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देना है और देन योर प्रॉफिट इज फाइनल फॉर गुडविल, ठीक है। सो एडजस्ट ऐसे ही एरो दिखाना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल इट इज प्रपोज दैट, ऐसे लिखना, सैलरी ऑब्लिक रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर अभी आप देखो पार्टनर की सैलरी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा फ्यूचर में प्रॉफिट? पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की सैलरी बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? फ्यूचर में कम होगा ना, जो प्रॉफिट बांटने के लिए बचेगा वो तो कम बचेगा, तो इस वजह से उतना क्या कर दो, डिडक्ट इट, इसे डिडक्ट कर दो। ये कब होने वाला है, हो गया या होने वाला है, हो गया या होने वाला है, होने वाला है ना, मतलब फ्यूचर एडजस्टमेंट है तो उसका इफेक्ट दे दो। क्यों? क्योंकि मैं तो गुडविल उतना ही दूंगा जो फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। तो बोलो अभी मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट, अभी तक सिर्फ हम एवरेज प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब आपने क्या किया था, 4 को ऐड करो डिवाइड बाय 4, बात खत्म, ठीक है। तो उसमें एडजस्टमेंट्स भी आ सकते हैं, आएंगे नहीं आएंगे ये आगे की बात है, बट आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो बोलो क्या करेंगे, पहले आप क्या करोगे, पास्ट प्रॉफिट ले लोगे, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स कर दोगे। मतलब पास्ट एडजस्टमेंट्स मतलब क्या, पास्ट एडजस्टमेंट्स मतलब क्या, जो गलतियां जिस साल में हो गई या ऐसा कुछ बताया हो तो वो गलतियों को करेक्ट कर दो, सुधारो, उसके बाद में करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पहले ऐड किया हो तो लेस कर दो, क्योंकि वो आपके बिजनेस में कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, क्लियर। तो आपको मिलेगा करेक्ट प्रॉफिट, आपको मिलेगा करेक्ट प्रॉफिट, क्लियर। करेक्ट प्रॉफिट एक बार मिल गया तो आप आइदर गो फॉर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। कौन सा सिंपल एवरेज कब, प्रॉफिट क्या है देखिए फ्लक्चुएटिंग है, क्लियर। तो सिंपल एवरेज, और प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाए या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाए तो वेटेड एवरेज। रिसेंट प्रॉफिट को ज्यादा वेट्स असाइन करेंगे। एक बार आपको मिल गया क्या एवरेज प्रॉफिट, देन गो फॉर फ्यूचर एडजस्टमेंट्स। तो एवरेज प्रॉफिट से वो फ्यूचर एडजस्टमेंट्स कर दो। अभी आपके पास क्या आ गया, फाइनल एवरेज प्रॉफिट आ गया, समझ गए। नाउ यू हैव फाइनल एवरेज प्रॉफिट। बोलो कैसे कैलकुलेट करना एवरेज प्रॉफिट, एक बार बताओ, नहीं पहले से पास्ट प्रॉफिट, उसमें क्या करना है, पास्ट एडजस्टमेंट्स वो एडजस्ट करने, पास्ट एडजस्टमेंट्स एडजस्ट करने के बाद में क्या करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और जो बिजनेस के अलावा आपने कमाया हुआ है वो माइनस कर दो, क्लियर। तो आपको क्या मिलेगा, ओके फाइनल प्रॉफिट मिलेगा, ओके करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। उसमें आप क्या कर दो, सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कब, जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो रिसेंट प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज देना है, क्लियर। उसके बाद में आपको एवरेज मिल गया आगे, अरे क्या फ्यूचर एडजस्टमेंट्स, सिक्वेंस याद है, सिक्वेंस याद रखना। पहले क्या, पास्ट एडजस्टमेंट्स कर दो, करेक्ट प्रॉफिट निकालो, करेक्ट प्रॉफिट निकाल के एवरेज निकालो, आइदर सिंपल और वेटेड। वेटेड कब, कब क्या प्रॉफिट इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। और बाद में किस किसके लिए जाऊं, फ्यूचर एडजस्टमेंट्स, बात खत्म। सिंपली आपको इस तरह से क्विकली याद रखना है। आपको एक बार एवरेज प्रॉफिट मिल गया तो चारों मेथड में एवरेज प्रॉफिट यूज होता ही है, चारों मेथड में एवरेज प्रॉफिट यूज होता ही है, क्लियर, कोई डाउट। अभी पहला मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज तो निकालना सिखा दिया मैंने, ठीक है। तो पहले का फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, बोलो ये कॉमन है। अभी देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड,
ऊपर का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना कॉमन है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला बोलो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। सिंपल, गुडविल इज इक्वल टू हाँ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ एवरेज तो निकाला वैसे ही ऊपर जैसा होता जैसा रहा। अभी बात आती है व्हाट इज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। ध्यान दो, इस बात पे झगड़ा चल रहा है, नया पार्टनर बोल रहा है कि मैं आपको गुडविल क्यों दूं जब मैं आपको कैपिटल दे रहा हूं। भावे? न्यू पार्टनर क्या बोल रहा है, मैं आपको गुडविल क्यों दूं जबकि कैपिटल में आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो गुडविल एडिशनली दिया जाता है ना, कैपिटल छोड़ के एडिशनल अमाउंट लाता है कौन, न्यू पार्टनर, तो उसे बोलते हैं गुडविल। इसे हम प्रीमियम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जब पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो उसे कैपिटल छोड़ के एडिशनल अमाउंट लाने के लिए बोला जाता है, तो उसे प्रीमियम भी कहा जाता है अदर वर्ड्स में। तो न्यू पार्टनर बोल रहा है मैं आपको एडिशनल अमाउंट क्यों दूं, मैं आपको कैपिटल दे रहा हूं, मैं एडिशनल अमाउंट आपको क्यों दूं, आप मुझे पार्टनरशिप में लेना चाहते हो। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप बोल रहे हो गुडविल दे दो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैं एडिशनल अमाउंट क्यों दूं, रीजन बताओ व्हाई, क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से मैं आपको एडिशनल अमाउंट दूं। कैपिटल तो मैं दे रहा हूं, ठीक है, तो एडिशनल अमाउंट क्या क्यों दो, क्यों समझा, क्वेश्चन तो समझा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप मुझे पार्टनरशिप फॉर्म में लेना चाहते हो, मैं भी आना चाहता हूं, आई एम रेडी टू पे 1 करोड़ कैपिटल, लेकिन आप बोल रहे हो 1 करोड़ के ऊपर 30 लाख रुपए का गुडविल दे दो, प्रीमियम दे दो। तो मैंने पूछा क्यों दे दू, रेपुटेशन इतने साल का, तो उससे मुझे क्या फायदा है, मैं खुद बिजनेस कर लूंगा तो मैं खुद बिजनेस स्टार्ट करूं तो वो 1 करोड़ तो मैं आपको भी दे रहा हूं। आंसर्स देते जाना, बाद में कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, 1 करोड़ डिस्कशन चल रहा है, 1 करोड़ मैं आपको दे रहा हूं, वैसे मैं 1 करोड़ लगा के खुद का बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकता हूं ना। ठीक है, जितना मुझे रिटर्न मिलेगा उससे ज्यादा आपको मिल रहा है, ऐसा आपको बोलना है। ठीक है, तो यहां पे देखो आपका पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, कि मैंने अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो इस लेवल पे पहुंचने के लिए, आपके लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे कितने साल लगेंगे, 3-4 साल 5 साल कुछ तो भी लगेंगे ना। ठीक है, वो है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। 4 साल बाद जो प्रॉफिट होने वाला है वो मैंने आज ही ले लिया, आपके पास से परचेस किया, समझाया। मैं अगर खुद का खोलता तो कितने साल लगते, 4 साल फॉर एग्जाम्पल, ये डिस्कशन होता है, जैसा अपना डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने आपको पूछा तो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए आप कितना बोलोगे, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 4 साल तो जाएंगे। आप फर्म में आते हो तो क्या होगा, डायरेक्टली आज से प्रॉफिट स्टार्ट होगा ना, उतना आज से 4 साल के बाद का प्रॉफिट आज से स्टार्ट होगा। तो आप एक काम करो, ये इसके लिए आप पैसे दे दो, अगर आपको ये प्रॉफिट आज से कमाना है तो पैसे दे दो। ठीक है, मैं बोलता हूं कि नहीं, मुझे फिर भी समझा नहीं, मैं कन्विंस नहीं हूं। ठीक है, आप दूसरा आंसर क्या दोगे कि एक देखो, अगर आप आते हो तो हम जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से भी हम आपको शेयर दे देना, तो हमारा भी नुकसान है, आपका नुकसान कुछ है कि नहीं है, है ना। मैं आऊंगा, मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा, पहले आप दोनों शेयर करते थे इक्वली, आज क्या हो जाएगा, 3 शेयर करेंगे, मतलब आपने भी कुछ सैक्रिफाइस किया, ए ने भी सैक्रिफाइस किया, बी ने भी, सी के लिए। तो आप इस वजह से मांग रहे हो कि मैं आने की वजह से आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट शेयरिंग में डिफरेंस आने वाला है, आने वाला है कि नहीं, आपका नुकसान है कि नहीं, कुछ तो भी यस। और ये इसके बावजूद कि आपने पहले 10 साल एफर्ट्स लिए, फिर भी आपको प्रॉफिट मुझे शेयर करना पड़ रहा है। अगर मैं खुद का बिजनेस खोलूं आज के डेट पे तो मिनिमम 4 साल तो लगेंगे मुझे उस लेवल पे पहुंचने के लिए, और वो प्रॉफिट आपकी बदौलत मुझे मिल रहा है इमीडिएटली।
तो मैंने ये जो फायदा मुझे मिल रहा है इसका कुछ पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, तो मैं 4 साल बाद होने वाला प्रॉफिट आज से मुझे मिल रहा है, मैं आपके पास से फ्री में नहीं ले रहा हूं, मैं उसे परचेस कर रहा हूं बाय पेइंग गुडविल अमाउंट। समझ आए? 4 साल बाद जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो मैं आज आपके पास से क्या कर रहा हूं? फ्री में ले रहा हूं क्या? नहीं, मैं आपके पास से क्या कर रहा हूं? परचेस। तो इस वजह से वो जो 4 साल लगता है ना पीरियड, उस 4 साल का प्रॉफिट मैं आपको क्या करता हूं? एज एन एवरेज कैलकुलेट करके देता हूं। मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कितना प्रॉफिट है 1 साल का? 1.5 लाख। 1.5 लाख आपने क्या किया? 4 साल का कैलकुलेट किया, 4 साल का कैलकुलेट किया इंटू 4, कितना आ गया? 6 लाख। 6 लाख क्या गुडविल है? 6 लाख क्या है? गुडविल। फटाफट बताओ मुझे गुडविल। अगे एक कितना लाएगा? 6 लाख लाएगा। एक कितना लाएगा? 6 लाख लाएगा। एक कितना लाएगा? 6 लाख लाएगा। ये गुडविल पूरे फर्म का है। एक क्या बोलेगा? मुझे तो सिर्फ इसका 1/3 फायदा होने वाला है ना, ठीक है? सो सी विल ब्रिंग कितना? 1/3। लॉजिक समझ में आ गया क्या? क्योंकि वो बोलेगा गुडविल जो है उससे फायदा पूरे फर्म को होता है, मुझे अकेले को नहीं, तो वो फायदा आपको भी होगा। तो मुझे कितना फायदा होगा? सिर्फ 1/3। तो मैं आपके गुडविल में पार्टिसिपेट कर रहा हूं बट 1/3 तक ही ना, ठीक है? तो एक काम करो, मतलब सी कितना लाता है? 1/3 विच इज इक्वल टू 2 लाख। कितना? 2 लाख। अभी एक देना, अभी एक देखना, 2 लाख दे दिए उसने स्टार्टिंग में, 2 लाख दे दिए। अभी पहले साल का फर्स्ट ईयर प्रॉफिट मान के चलते कॉन्स्टेंट ही है, प्रॉफिट एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट मतलब कितना? 1.5 लाख ही। फर्स्ट ईयर मतलब कौन सा? एडमिशन के बाद, आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन 1,50,000 इंटू 1/3 किसका? सीज शेयर, सीज शेयर कितना है? 50,000 करेक्ट है। बाद में सेकंड ईयर कितना? 1,50,000 कितना? 1/3 कितना? 50। बाद में 1,50,000 थर्ड ईयर 1/3 कितना? 50,000। कितना मिल गया? सी को कितना मिल गया वापस? 2 लाख। 4 साल में सी ने कितना दिया था? 2 लाख। मतलब सी को ये जो 2 लाख मिल रहा है ना 4 साल में, उसके लिए उसने पहले ही पेमेंट किया था, परचेस किया था वो 2 लाख, वो 2 लाख शेयर करने का हक उसने परचेस किया था, 2 लाख शेयर करने का हक उसने परचेस किया था। कब? आते वक्त ही। तो वो डिसाइड किया जाता है हमारे बीच में कि वो कितने साल होंगे, अगर मैं खुद का बिजनेस खोलूं तो 2 लाख मतलब इस प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, उतने का पेमेंट पहले ही दे दो। बाय, मतलब देखो अगर मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, पहले साल लॉस होगा, दूसरे साल नो प्रॉफिट नो लॉस, तीसरे साल थोड़ा प्रॉफिट हो गया और 4 साल के बाद में मुझे प्रॉफिट होने लगा प्रॉपर। मतलब आप फर्म में 2 लाख रुपए देके आते हो तो आपको ये तो गारंटी है ना लॉस तो नहीं होगा, बराबर ना? मतलब वहां पे कुछ ना कुछ तो जो 4 साल बाद सिचुएशन आने वाली वो आज ही आ जाएगी। तो इसके लिए एफर्ट्स किसने लगाए? मैंने? किसने लगाए? आपने लगाए ना। तो मैंने उसके लिए कॉम्पेंसेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, तो मैं उसका कॉम्पेंसेट करूंगा, बाद में मैं ईयरली प्रॉफिट शेयर करने लगूंगा। आपके आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है? सो ये प्रॉफिट दे, हम मान के चल रहे 1.5 लाख, वो प्रॉफिट 2 लाख हो गया अगले साल, तो ठीक है ना? उसके
हेलो 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 हाँ ठीक है, तो अगर उसके आने के बाद में प्रॉफिट बढ़ता है तो हम ये मानेंगे कि उसके आने की वजह से उसके एफर्ट से बढ़ रहा है, बराबर है। लेकिन आज तक जो 1.5 लाख प्रॉफिट था वो किसकी वजह से था? आपके आप लोगों की वजह से ना, उतना मैं कॉम्पेंसेट कर दूंगा आपको। लेकिन जो प्रॉफिट मेरे आने के बाद में अगर बढ़ता है, ठीक है, तो उसके लिए नए पार्टनर को कोई, सॉरी, तुम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे आने की वजह से मैंने भी एफर्ट्स लिए तो उससे बढ़ गया। लेकिन आप ये तो बोल सकते हो 1.5 लाख तक का प्रॉफिट हमने उस लेवल पे लाया था, तो 1.5 लाख के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेशन करके आपको गुडविल का पेमेंट दे दिया, बराबर। तो उसको तो मुझे मेरा हक बनता है, आपने भले वो कमाया या आपने उस लेवल पे लेके आया, लेकिन मैंने उसके लिए पैसे दे दिए ना, समझ आ गया, ठीक है। तो वो मैं 4 साल बाद जो पोजीशन आने वाली मेरी, मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो वो मेरी पोजीशन क्या है, आज ही आ जाए ना, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पैसे दिए। किस बात के? कि 4 साल तक जो प्रॉफिट आपकी वजह से बना था वो शेयर करने के लिए। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। समझ में आ गया? हाँ या ना? समझा ही नहीं सभी को, ठीक है। तो बेसिकली ये है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। आप लोग मुझसे पैसे मांग रहे हो कि नहीं, ये प्रॉफिट पे लाने के लिए हम लोगों ने भी एफर्ट्स लिए, तुम्हें भी लेने पड़ेंगे। तुम्हें कितने लेने पड़ेंगे? 4 साल। तो तुम एक काम कर दो, 4 साल का जो प्रॉफिट है इतने लेवल तक, 1.5 लाख तक, वो हमारी वजह से मिलने वाला है, हमारी वजह से मिलने वाला है। तो तुम एक काम कर दो, उतने तक का तो मुझे, हमें गुडविल का पेमेंट कर दो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए 1.5 लाख में से सैक्रिफाइस करने वाले ना। आज तुम नहीं आते तो 1.5 लाख तक का जो प्रॉफिट था हम दोनों ही लेते ना, कितना, 75,000। तुम आओगे तो 1.5 लाख तक का प्रॉफिट हम सैक्रिफाइस करें, कैसे? 50-50-50, मतलब दोनों भी कितना सैक्रिफाइस करें, 25-25, एंड भी कितना सैक्रिफाइस करें, 25-25। तो सिंपल बात है, तुम आते वक्त कितना दे दो हमें, 2 लाख, 2 लाख दे दो। ये 2 लाख कौन रखेंगे? जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। किसने सैक्रिफाइस किया? एंड बी। कितना? 4 साल में कितना? 25,000 एक साल में सैक्रिफाइस किया। 4 साल में कितना सैक्रिफाइस किया? 1 लाख ना। तो उनका 1 लाख कॉम्पेंसेशन उन्हें मिल रहा है। मतलब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा ताकि आप ये ना बोलो कि हमारी वजह से तुम जी रहे हो। समझ आ गया? ठीक है, आगे जाके आपने बोला कि हमने इतने एफर्ट्स लिए, अरे मैंने पैसे दिए, जमान सवाल की बात कर, ऐसा मैं बोलूंगा, ठीक है, इसके मैंने पैसे दिए, परचेस किया, फुकट में नहीं लिया। समझ आया क्या बोल रहा हूं? कोई डाउट है? कंसेप्ट समझ में आ गया? बेस समझ में आ गया? एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस क्यों यूज किया जाता है? क्लियर है? कोई डाउट है? मैं आपके पास से परचेस कर रहा हूं राइट्स। किस चीज के राइट्स? आपका प्रॉफिट शेयर करने के राइट्स। आपको इसमें नुकसान होने वाला है? नुकसान मतलब कैसे होने वाला है? कि आप सैक्रिफाइस करोगे तो मैं पैसे लाऊंगा और किसे मिलेंगे ये पैसे हमको? मतलब कौन? नाम बताओ। कौन से पार्टनर्स? एग्जिस्टिंग नहीं। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स नहीं। कंटिन्यू पार्टनर नहीं। किसने बोला नहीं? वो करेक्ट वर्ड नहीं है, एग्जिस्टिंग नहीं। और बोलो। हाँ, किसने तो बोला? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को नहीं मिलता, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनको कॉम्पेंसेशन मिलता है। ये कभी भी याद रखना, कभी भी याद रखना, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। ओके, ये एग्जिस्टिंग को इस वजह से मिलेगा, ऐसा नहीं है। और आपने सैक्रिफाइस ही नहीं किया, आपका शेयर उसके आने के बावजूद भी उतना ही है, तो आपको क्यों मिले गुडविल? कॉम्पेंसेशन क्यों मिले? सो इट इज ऑलवेज रिसीवेबल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर? मतलब मान लो आप इक्वल शेयर करते थे, इक्वल दो लोग, अभी नए पार्टनर के आने के बाद में क्या हो गया, 2:1:1, मतलब एक का रेशियो क्या हो गया, अभी भी आधा ही है ना, 4 में से 2, पहले 2 में से 1 था, मतलब एक का रेशियो चेंज ही नहीं हुआ, मतलब सैक्रिफाइस किसने किया? बी ने। तो जो भी सी पैसे देगा वो सिर्फ किसे मिलेंगे? बी को मिलेंगे। समझा? क्लियर? So, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। कौन पार्टनर देता है? गेनिंग। देयरफॉर अगेन क्या कहा जाता है, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से वो पैसे निकालो। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका कैपिटल कम करना है। क्यों? क्योंकि हम पैसे निकाल रहे हैं, और किसका बढ़ाना है? सैक्रिफाइसिंग। तो एंटर की आती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक के अकाउंट से निकाल के दूसरे के अकाउंट में डाल रहे हैं, जिसने सैक्रिफाइस किया उसके अकाउंट में डाल रहे हैं। समझा? एंट्री का हम कल ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी सिर्फ आपको गुडविल का बेस क्लियर करना था, कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो समझाना था। लेकिन इंटरेस्ट समझ में आ जाए, इंटरेस्ट का तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, लेकिन आपको यही बेसिक समझना है तब इंटरेस्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चल मिलता है कल।